नमस्कार, आप देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन। कोविड अपडेट लेकर मैं हूं हाजिर। आज पूरा दिन में जम्मू कश्मीर में कोविड-19 के कारण 15 डेथ्स हुई हैं, जिनमें से 10 डेथ्स जो हैं वो जम्मू डिवीजन में रिकॉर्ड की गई हैं और 5 डेथ्स कश्मीर डिवीजन में रिकॉर्ड की गई हैं। साथ ही में अगर बात करें कोविड-19 के पॉजिटिव मामलों की, तो 1330 नए केसेस सामने आए हैं, जिनमें से 672 जम्मू डिवीजन के हैं और 658 कश्मीर डिवीजन के हैं। कल से थोड़े हालात बेहतर हैं। कल भी हमने देखा कि नंबर ऑफ केसेस जो हैं वो 2000 टच किए थे, उसके अलावा डेथ्स भी ज़्यादा हुई थी। आज थोड़े कम केसेस आए हैं और डेथ्स भी कम हुई हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो है वो ध्यान देना छोड़ दें। डिस्ट्रिक्ट वाइज की अगर बात करें तो डिस्ट्रिक्ट वाइज ये देखने को मिला कि जम्मू डिवीजन में, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में आज टोटल केसेस जो हैं वो 221 आए हैं, जिनमें से 209 अन्य लोग हैं और 12 ट्रैवलर्स हैं जो कोविड पॉजिटिव आए हैं। इसके चलते जो है एक्टिव केसेस की तादाद जम्मू डिस्ट्रिक्ट में 6187 पहुंच गई है। 145 रिकवरीज भी हुई हैं और अभी तक 120 डेथ्स जो हैं वो जम्मू डिस्ट्रिक्ट से रिकॉर्ड कर ली गई हैं। 120 का आंकड़ा जो है वो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में डेथ्स का पहुंच चुका है। रजौरी डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें तो 62 नए मामले आए हैं, इनमें से भी ट्रैवलर कोई भी नहीं है। इन 62 मामलों के आने के बाद एक्टिव केसेस की संख्या रजौरी डिस्ट्रिक्ट में 1025 हो गई है। एक व्यक्ति ने रिकवर भी किया है। उसके अलावा अब तक रजौरी डिस्ट्रिक्ट से 20 डेथ्स कोविड-19 के कारण हो चुकी है। उधमपुर की अगर बात करें तो कोविड-19 के 31 नए केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं, जिनमें से एक ट्रैवलर है और 30 अन्य लोग हैं जो कोविड पॉजिटिव आए हैं। इनके पॉजिटिव आने के बाद एक्टिव केसेस की संख्या जो है वो 748 हो गई है। साथ ही में 53 नई रिकवरीज भी उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से हुई हैं। अभी तक उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से 9 डेथ्स रिकॉर्ड की गई हैं। कठुआ की अगर बात करें तो 42 नए केसेस आए हैं, जिनमें से 3 ट्रैवलर्स हैं और 39 अन्य लोग हैं जो कोविड पॉजिटिव आए हैं। इसके साथ साथ एक्टिव पॉजिटिव केसेस की संख्या कठुआ डिस्ट्रिक्ट में 616 हो चुकी है। साथ ही में 25 लोगों ने जो है वो रिकवर भी किया है और 14 डेथ्स अभी तक कठुआ डिस्ट्रिक्ट से रिकॉर्ड की गई हैं। ढोडा डिस्ट्रिक्ट में 86 नए केसेस आए हैं, जिनमें से एक जो मामला है वो ट्रैवलर का है, बाकी 85 मामले जो हैं वो अन्य लोगों के हैं, यानी कि डोडा के रहने वाले लोगों के हैं जो कोविड पॉजिटिव आए हैं। एक्टिव केसेस की संख्या जो है वो डोडा डिस्ट्रिक्ट में 826 हो चुकी है। 3 नई रिकवरीज भी हुई हैं और अभी तक 17 डेथ्स डोडा डिस्ट्रिक्ट से रिकॉर्ड की गई हैं। सांबा की अगर बात करें तो सांबा से 53 नए केसेस आए हैं, जिनमें से एक ट्रैवलर है और 52 अन्य लोग हैं जो कोविड पॉजिटिव आए हैं। इसके साथ साथ एक्टिव केसेस की संख्या सांबा डिस्ट्रिक्ट में 635 हो चुकी है। 18 नई रिकवरीज भी हुई हैं और अभी तक 10 डेथ्स कोविड-19 के कारण रिकॉर्ड की गई हैं। पुंछ डिस्ट्रिक्ट से 77 नए केसेस आए हैं, जिनमें से 2 लोग ट्रैवलर्स थे, बाकी जो हैं 75 अन्य लोग थे जो कोविड पॉजिटिव आए हैं। 795 जो हैं वो एक्टिव पॉजिटिव केसेस इस समय में पुंछ डिस्ट्रिक्ट में हैं। 5 नई रिकवरीज भी हुई हैं और साथ ही में 7 डेथ्स अभी तक पुंछ डिस्ट्रिक्ट से रिकॉर्ड की गई हैं। रामबन की अगर बात करें तो 47 नए केसेस आए हैं, इनमें से ट्रैवलर कोई भी नहीं है। इन 47 केसेस के आने के बाद एक्टिव पॉजिटिव केसेस रामबन डिस्ट्रिक्ट में 279 हो चुके हैं और 19 रिकवरीज भी हुई हैं और अभी तक 5 डेथ्स रामबन डिस्ट्रिक्ट से रिकॉर्ड की गई हैं। रियासी डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 18 नए केसेस आए हैं, जिनमें से 17 जो हैं वो अन्य लोग हैं और एक ही ट्रैवलर है जो कोविड पॉजिटिव आए हैं। 312 एक्टिव पॉजिटिव केसेस इस समय रियासी डिस्ट्रिक्ट में हैं और कोई भी नई रिकवरी जो है वो नहीं हुई है। 4 डेथ्स अभी तक रियासी डिस्ट्रिक्ट से रिकॉर्ड की गई है। किश्तवाड़ की अगर बात करें तो किश्तवाड़ से भी 35 नए कोविड-19 के मामले सामने आए हैं। इनके आने के बाद अब एक्टिव पॉजिटिव केसेस किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में 400 हो चुके हैं। 25 नई रिकवरीज भी हुई हैं और 3 डेथ्स अभी तक जो है किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट से रिकॉर्ड की गई हैं। ओवरऑल अगर जम्मू डिवीजन की बात की जाए तो आज जो 672 नए मामले आए, उनमें से 21 मामले ट्रैवलर्स के हैं और 651 अन्य लोग हैं जो कोविड पॉजिटिव आए हैं। साथ साथ 294 नई रिकवरीज भी जम्मू डिवीजन में अभी तक आज के दिन में हुई हैं। अभी तक 9223 लोगों ने कोविड-19 से जम्मू डिवीजन में रिकवर भी किया है। उसके अलावा 209 डेथ्स अभी तक कोविड-19 के कारण जम्मू डिवीजन से हो चुकी है। एक्टिव पॉजिटिव केसेस की अगर बात की जाए तो 11,823 एक्टिव पॉजिटिव केसेस इस समय जम्मू डिवीजन में हैं। अब बात करें कश्मीर डिवीजन की, तो कश्मीर डिवीजन में श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में 237 नए कोरोना वायरस के केसेस आए हैं,
जो कि आज के दिन की हाईएस्ट फिगर है। 237 केसेस में से 22 ट्रैवलर्स हैं और 215 अन्य लोग हैं जो कोविड पॉजिटिव आए हैं। इसके साथ साथ श्रीनगर से एक्टिव पॉजिटिव केसेस की संख्या जो है वो 2091 पहुंच गई है। अच्छी बात यह है कि 169 लोगों ने रिकवर भी किया है, लेकिन अभी तक श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में 261 डेथ्स भी कोविड 19 के कारण हो चुकी हैं। बड़गाम डिस्ट्रिक्ट में 62 नए केसेस आए हैं। इन 62 केसेस आने के साथ 62 केसेस में से ट्रैवलर कोई भी नहीं है। केसेस के आने के बाद एक्टिव पॉजिटिव केसेस बड़गाम डिस्ट्रिक्ट से 1634 हो चुके हैं। रिकवरीज की अगर बात करें तो 41 नई रिकवरीज भी हुई हैं और अभी तक 75 डेथ्स जो हैं बड़गाम डिस्ट्रिक्ट से रिकॉर्ड की गई हैं। बारामूला की अगर बात करें तो 64 यानी कि 64 नए केसेस आए हैं, जिनमें से 4 ट्रैवलर्स हैं और 60 अन्य लोग हैं जो कोविड पॉजिटिव आए हैं। एक्टिव पॉजिटिव केसेस 1070 हैं। 61 नई रिकवरीज भी आज के दिन में हुई हैं और अभी तक बारामूला डिस्ट्रिक्ट से 114 लोगों ने कोविड 19 के कारण अपनी जान गंवाई है। पुलवामा डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें तो 41 केसेस हैं, जिनमें से 6 ट्रैवलर्स हैं और 35 अन्य लोग हैं जो कोविड पॉजिटिव आए हैं। 486 एक्टिव पॉजिटिव केसेस इस समय पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में हैं। 43 नई रिकवरीज हुई हैं और 63 डेथ्स अब तक कोविड 19 के कारण पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में हो चुकी हैं। अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में 60 नए केसेस आए हैं कोरोना वायरस के, जिनमें से 6 ट्रैवलर्स हैं और 54 अन्य लोग हैं जो कोविड पॉजिटिव आए हैं। साथ साथ एक्टिव पॉजिटिव केसेस जो हैं 802 हो चुके हैं और रिकवरीज 44 नई रिकवरीज जो हैं वो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से भी हुई हैं। डेथ्स की अगर बात करें तो 54 डेथ्स अभी तक अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से रिकॉर्ड की गई हैं। बांडीपुरा में 65 नए केसेस आज के दिन में देखने को मिले, जिनमें से 2 ट्रैवलर्स हैं और 63 अन्य लोग हैं जो कोविड पॉजिटिव आए हैं। इसके साथ साथ एक्टिव केसेस की संख्या जो है वो 1018 हो चुकी है बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में। 61 नई रिकवरीज भी हुई हैं और 31 डेथ्स अभी तक जो है वो रिकॉर्ड की गई हैं बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट से। कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में 52 नए केसेस आए, जिनमें से 3 ट्रैवलर्स हैं और 49 अन्य लोग हैं जो कोविड पॉजिटिव आए हैं। इसी के साथ 926 एक्टिव पॉजिटिव केसेस इस समय कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में हैं। 38 रिकवरीज भी हुई हैं और डेथ्स अभी तक 60 जो हैं वो कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से रिकॉर्ड की गई हैं। गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में आज 44 नए केसेस आए। केसेस के आने के बाद एक्टिव पॉजिटिव केसेस की संख्या 592 पहुंच गई। रिकवरीज जो हैं वो 25 हुई हैं और साथ ही में 26 डेथ्स अभी तक गांधरबल डिस्ट्रिक्ट से रिकॉर्ड की गई हैं। कुलगाम की अगर बात करें, 19 केसेस जो हैं वो आज के दिन में कोविड 19 के आए हैं कुलगाम डिस्ट्रिक्ट से, और कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में 5 ट्रैवलर्स हैं और 14 अन्य लोग हैं जो कोविड पॉजिटिव आए हैं। इनके आने के बाद एक्टिव पॉजिटिव केसेस 145 हो चुके हैं। 8 लोगों ने रिकवर भी किया है और 43 डेथ्स अभी तक रिकॉर्ड की गई हैं। शोपियां डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें तो 14 नए मामले कोविड 19 के सामने आए हैं, जिनमें से 1 ट्रैवलर है और 13 अन्य लोग हैं जो कोविड पॉजिटिव आए हैं। साथ ही में एक्टिव पॉजिटिव केसेस इस समय शोपियां डिस्ट्रिक्ट में 183 हैं और कोई भी नई रिकवरी नहीं हुई है। अभी तक शोपियां डिस्ट्रिक्ट से 30 डेथ्स रिकॉर्ड की गई हैं। ओवरऑल अगर कश्मीर डिवीजन की बात की जाए तो आज जो 658 नए केसेस कश्मीर डिवीजन में आए, उनमें से 49 ट्रैवलर्स थे और 609 अन्य लोग थे लोकल से जो कोविड पॉजिटिव आए हैं। साथ ही में एक्टिव पॉजिटिव केसेस इस समय अगर देखा जाए तो कश्मीर में 8947 एक्टिव केसेस हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं कि जम्मू डिवीजन में जहां 11800 से ज्यादा मामले एक्टिव हैं, वहां कश्मीर डिवीजन में अब हालात थोड़े से बेहतर हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 8947 ऐसे लोग हैं जो अभी भी कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हैं। 490 नई रिकवरीज जो हैं वो कश्मीर डिवीजन से हुई हैं और अभी तक अगर ओवरऑल देखा जाए तो 30,000 लोग कोविड 19 से कश्मीर डिवीजन में रिकवर कर चुके हैं। 30,000, इस फिगर को जरूर अपने जहन में रखिएगा, क्योंकि ये समझने की जरूरत है कि अगर आप कोविड 19 से इन्फेक्ट होते हैं काफी हद तक चांसेस है कि आप रिकवर कर जाएंगे। लेकिन अगली फिगर जो आप सुनेंगे उसे भी ध्यान से सुने, 757 डेथ्स अभी तक कोरोना वायरस के कारण कश्मीर डिवीजन से हो चुकी हैं। 757 डेथ्स कश्मीर डिवीजन में हुई हैं और अभी तक जम्मू डिवीजन में 209 डेथ्स हुई हैं। ओवरऑल जम्मू कश्मीर में 966 डेथ्स कोविड 19 के कारण अभी तक जो हैं हो चुकी हैं। उसके अलावा रिकवरीज की अगर हम बात करें तो 39,305 रिकवरीज ओवरऑल अभी तक, जब से कोविड की लड़ाई शुरू हुई है तब से लेके आज तक 39,305 ऐसे लोग हैं जिन्हें कोविड 19 का इन्फेक्शन हुआ, बाद में उन्होंने रिकवर किया और वो अपने घर चले गए। तो ये ओवरऑल फिगर अभी तक था कोरोना वायरस का। दोबारा हाजिर होंगे, आप तक पहुंचाते रहेंगे कोरोना वायरस की अपडेट्स।